हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 7 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 8.5% के करीबन का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर इस स्टॉक में 24% की तेजी देखने को मिली है, तो वहीं एक महीने के अंदर 27%, 3 महीने में 56%, 6 महीने में 112% और 1 साल के अंदर 160% से भी ऊपर के पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में के नीचे का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है अराउंड 88 रुपीज। 88 रुपीज के इस स्टॉक में एक ट्रिपल टॉप बॉटम था जिसे स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेकआउट दिया गा और स्टॉक में एक न्यू हाई बनता हुआ नजर आया 91 रुपीज। 91 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 86 रुपीज के एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 120 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जिस तरह की बाजार में चारों तरफा एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और स्टॉक में काफी सुस्ती देखने को मिली है, तो वहीं इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।